वस्ती जिला गांधरबल के बनीबाग कंगन इलाके में उस वक्त कोहरा मच गया और लोगों की चीखों पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा, जब नजदीकी पहाड़ी से एक भारी बरकम मिट्टी का तोड़ा गिराया, जिसके नतीजे में 20 से ज्यादा दुकानें, रिहायशी मकानात और करीबन 2 गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई और दर्जनों दरख्त उखड़ गए। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ये वाकया जुमा के सुपहर को कंगन से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाके बनीबाग कंगन में पेश आया, जिसकी वजह से श्रीनगर लहशहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल महदूद होके रह गई। इतला मिलते ही जिले इंतजामिया गांधरबल जाए वोकू पर पहुँच कर नुकसान का जायजा लेने में लग गए। आप देख रहे थे कंगन से वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरफान की ये खसूसी रिपोर्ट। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो एक लैंडस्लाइड आज हुई थी, इसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 40 शॉप्स थे वो सारे के सारे जो है इसमें डिस्ट्रॉय हो गए, और इसके अलावा एक वहाँ पे रेजिडेंस हाउस भी था जो नहीं का था, तो वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और जहाँ पे सुनने को मिला है कि यहाँ पे जितने भी जाने हैं वो जो है वो सेफली उनको जो है वहाँ से निकाला गया है, और कुछ गाड़ियां भी वहां पे थी तो वो भी शायद इस जो है वो डिब्रिज के नीचे जो है वो चले गए। और जहां पे जिस तरह से यहां पे अगर आपने देखा होगा, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक नेशनल हाईवे है, ये यहां पे यात्रा जो है अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यहां पे जो है एक ट्रैफिक का ज़्यादा जाम रहता है या रश रहता है, तो वहां पे अगर वो उस सिचुएशन होती तो यहां पे नुकसान जो है वो इससे भी ज़्यादा होता। तो फिलहाल के लिए ये भी एक बड़ा नुकसान है, लेकिन ये एक अब हम देखेंगे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये सारा कुछ जो है ये लीकेज की वजह से हुआ, जो ऊपर एक नाल बहती है उसी की लीकेज की। अब हमारी हमने डीसी साहब के से भी जो है वो रिक्वेस्ट की कि तब तक जो है ये पानी रोक दिया जाए जब तक, अगर हम देखेंगे अगर आप वहाँ पे खुद ऑब्जर्व करोगे इस कनाल को, वहाँ पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम है, और हम चाहते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए पहले और उसके बाद जो है वहाँ पे पानी छोड़ा जाए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में हम पानी को वहाँ पे, पानी भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा गाँव जो है वो खतरे में है, और जब तक ये जो है ये यहाँ से यहाँ ये एरिया जो है ये मकान जो है ये भी मतलब खतरे के जोन में आ गए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही एडमिनिस्ट्रेशन से है कि ये इसको जो है वो प्रॉपरली आप देखिए, आप प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे ये लीकेज हो रहा है और उसको बंद किया जाए। अगर रिसर्च के बारे में तो बहुत नुकसान भी हुआ है इस सिलेंडर की वजह से, और हमें जितना नुकसान हमें हुआ है तकरीबन मुझे अंदाजा लगता है उससे ज्यादा नुकसान इस वक्त जो लद्दाख यात्रा चल रही है, कारगिल चल रही है, गाड़ियाँ उनको भी नुकसान हुई है, माल जान का जो गर्जे के हर तबके के लोग इसमें फंस गए, तो पूरा का पूरा कानवाई बंद है, आज भी नीचे कोई भी पता नहीं है इस सिलेट के नीचे कितना माल है, कितनी गाड़ियाँ हैं इस सिलेट के नीचे, जानी जानी नुकसान तो सुनने में आया कुछ नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारे मीडियाओं को ये बात कह भी दी है कि ये बिजली कनाल का मुसीबत है, मैं जो ऊपर से चल रही है वो बिल्कुल पत्थरों से निकल रही है, काकव कहेंगे वो काकव कहने से बिल्कुल पत्थरों से चल रही है कनाल, वो पानी नीचे जा रहा है 10-12 साल से, वो जमीन में धस गया है, जमीन नरम हो गया है, जमीन इस वक्त बिल्कुल साल्ट बन गई है, वक्त आ गया और वो पूरा का पूरा सिल्ट आ गया। एक तकरीबन यही नहीं बल्कि यहाँ नाम है चेयरवन पड़ावल, वहाँ भी 1 किलोमीटर का खतरा है इसी कनाल का, सेरवन में यही 1 किलोमीटर का खतरा है, वहाँ बनीबाग तो पूरा गांव का गांव इस लपेट में। पर 12 इस बारे में डिपार्टमेंट को इतला भी दिए है, मैं बजाज खुद एक बाजिल सरपंच, मैंने तमाम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है, हर एक डिपार्टमेंट को मैंने इन्फॉर्म किया है, तो वो बताइए इलीगल काम है ये हम कर नहीं सकते, मगर कर है तो काम है तो बिजली कनाल का मसला है।